कहानी की शुरुआत में हम ई को देखते हैं जो अपने वायोलिन के जरिए एक फ्लावर को ग्रो कर रही थी, पर अपने दोस्त जिन और पेंग के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। असल में वो आज भी अपने दोस्त एवरेस्ट को बहुत मिस कर रहे थे, जिसे एक समय पर उन्होंने साथ मिलकर अपने घर वापस पहुंचाया था, लेकिन अब वो चाहकर भी उससे मिल नहीं सकते थे क्योंकि एवरेस्ट अब बर्फीले माउंटेन पर रहने लगा था जो उनके शहर से बहुत दूर था। उतने में यी की ग्रैंडमा उन्हें आवाज लगाती है, क्योंकि असल में रिसेंटली यी की मॉम ने एक रेस्टोरेंट खोला था, जिस वजह से उन्हें ई और उसके दोस्तों की जरूरत पड़ती है। इस दौरान टूटे हुए उसी फ्लावर की एक पंखुड़ी हवा से उड़ते हुए स्नो माउंटेन पहुंच जाती है, जहां एवरेस्ट रहा करता था। उसे वहां जब वो पंखुड़ी मिलती है तो वो उसे ई का संकेत समझता है। दूसरी ओर ई की ग्रैंडमा उन्हें एक हाईटेक स्टोव को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने को कहती है, क्योंकि वो उसे साबित मानती थी। और जब वो उस स्टोव को बाहर ले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें उसके अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक कलरफुल बर्ड थी जो काफी घबराई हुई थी। इसलिए ई उसे शांत करने के लिए अपना वायोलिन प्ले करती है, पर फिर भी वो उनके हाथ नहीं आती। ई को एहसास होता है कि ये बर्ड मैजिकल है, इसलिए वो चुपके से उसे अपने छत पर ले जाने का तय करती है। वो उसके करीब जाकर उसे प्यार से समझाकर शांत करती है और उसे अपने छत पर ले आती है। वहां उन्हें पता चलता है कि वो बर्ड वास्तव में मैजिकल थी और उसे सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती थी, पर तभी एक बादल के कारण वो रोशनी ढक जाती है। लेकिन असल में उस बादल के पीछे एवरेस्ट था, जो बादल पर सवार होकर ई से मिलने आया था। उतने में बादल के गायब होने से वो नीचे आ गिरता है और वो सही सलामत बच जाता है। वहां ई और उसके दोस्त एवरेस्ट से वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ई उसे अपनी परेशानी बताती है, और क्योंकि एवरेस्ट भी एक मैजिकल क्रिएचर था, इसलिए ई उसे उस बर्ड से बात करने को कहती है। इससे उन्हें पता चलता है कि उस बर्ड का कोई घर नहीं था, इसलिए अब उन्हें ही उसके लिए कुछ करना था। तभी ग्रैंडमा के ऊपर आते ही वो एवरेस्ट और बर्डी को छुपा लेते हैं और बर्डी को एवरेस्ट के भरोसे छोड़कर डिनर करने चले जाते हैं। और तभी एवरेस्ट चुपके से उन्हें बुलाने आ जाता है, क्योंकि बर्डी की हालत खराब होने लगी थी, इसलिए वो बहाना बनाकर ऊपर आ जाते हैं। वहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बर्डी के साथ क्या हो रहा है। तब ये एक बेड टाइम स्टोरी बुक लाती है, जिसमें उस बर्ड के बारे में भी लिखा था। इससे उन्हें पता चलता है कि उस बर्ड का नाम फेंग था, जिसे सिर्फ सूरज की रोशनी से ही ताकत मिलती थी, और उनके छत तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। तब उन्हें अपने छत से एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। इससे ई सोचती है कि अगर वो किसी तरह फेंग को उस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचा दे तो उसे सूरज की रोशनी मिलने लगेगी और वो ठीक हो जाएगी। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए वो एवरेस्ट की हेल्प लेते हैं और अगले दिन उसके साथ बादल पर सवार होकर उस तरफ निकल जाते हैं। पर तभी अचानक बादल के गायब होने से वो नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन एवरेस्ट किसी तरह उन्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बचा लेता है और वो सभी एक स्टील के रॉड पर चले आते हैं। और क्योंकि उस बिल्डिंग की छत उनसे बहुत दूर थी, इसलिए एवरेस्ट खुद ही फेंक को वहां तक ले जाता है। और उतने में ई और उसके दोस्त रस्सी टूटने के कारण वहां से नीचे गिरने लगते हैं और एवरेस्ट का मैजिक भी उन्हें बचा नहीं पाता। और तभी सूरज की रोशनी मिलते ही फेंक की पावर वापस आ जाती है और वो समय रहते ई और उसके साथियों को अपने मैजिक से बचा लेती है। वो जगह फेंक के रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल थी, पर वहां मौजूद सभी पौधे मुरझाए होते हैं, इसलिए उन्हें फिक्स करने के लिए ई वहां अपना वायोलिन प्ले करती है, जिससे वो पूरी जगह हरी भरी हो जाती है। अब फेंक वहां शांति से रह सकती थी, इसलिए ई और बाकी सभी उसे खुशी खुशी अलविदा करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। पर तभी ई को याद आता है कि अपने मॉम के कहने के बाद भी वो सभी को अपने रेस्टोरेंट के कार्ड बांटना भूल गई थी, जिससे कस्टमर उनके शॉप पर आते। तब एवरेस्ट अपनी समझदारी से शॉप के ऊपर एक अट्रैक्टिव साइन बना देता है, जिसे देखकर कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। इस खुशी में ई अपने छत पर अपना वायलिन प्ले करने लगती है, और तब उसे पता चलता है कि फेंग जैसे न जाने कितने क्रिएचर्स हैं जिन्हें उनकी जरूरत है, इसलिए उन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो रात भर अपना वायलिन प्ले करती है और सुबह होने तक भी एक भी क्रिएचर उनके छत पर नहीं आते। पर ई को यकीन था कि उसने कल रात जो चमकीले लाइट्स देखे थे वो उन्हीं मैजिकल क्रिएचर्स के होने का संकेत थे। उसे लगता था कि उसके पास मैजिकल पावर्स इसलिए हैं क्योंकि डेस्टिनी ने उसे इन्हीं क्रिएचर्स की मदद के लिए चुना है। वो वापस से अपना वायलिन प्ले करती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता। तब पेंग उससे कहता है कि तुम्हें कुछ अलग तरह का म्यूजिक प्ले करना चाहिए, शायद वो काम कर जाए। तो उसकी बात से सहमत होकर ई ऐसा ही करती है, जहां वो बहुत से अलग अलग तरह के म्यूजिक को ट्राई करती है, जिसे एवरेस्ट के साथ पीएनजी और जिन भी खूब एंजॉय करते हैं। इससे कोई मैजिकल क्रिएचर तो उनके सामने नहीं आते, पर बहुत ज्यादा डांस करने के कारण एवरेस्ट को थकान होने लगी थी और उसके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा था, क्योंकि अपने बालों के कारण वो सिर्फ बर्फीली जगह पर रहने के लिए ही एडेप्टेबल था। इसलिए उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उन्हें एवरेस्ट को एसी की ठंडक में ले जाना था। इसलिए पेंग, जिस दौरान ई की मॉम और ग्रैंडमा को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा होता है,
उतने में ई और जिन एवरेस्ट को उनकी नजर बचाते हुए कोल्ड स्टोर में ले आते हैं। इससे फिलहाल के लिए तो एवरेस्ट बेहतर महसूस करने लगा था, पर वो इस तरह से हर बार उसके जरूरत के समय उसे फ्रीजर रूम में नहीं ले जा सकते थे। तब जिन को याद आता है कि वो इस बारे में मिस्टर बर्निश से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उन्हें मैजिकल क्रिएचर्स के बारे में बेहतर पता होगा, पर ई इस बात से सहमत नहीं होती क्योंकि वो ऐसे मैजिकल क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और एक समय पर उन्होंने एवरेस्ट को भी पकड़ने की कोशिश की थी। पर जब ई देखती है कि एवरेस्ट पहले से और वीक पड़ने लगा है तो उसे मिस्टर बर्निश से हेल्प लेने के लिए राजी होना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी चालाकी से एवरेस्ट को नॉर्मल लोगों की नजरों से बचाकर मिस्टर बर्निश के पास ले जाते हैं, जो अब अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर बेजुबान जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर चुके थे। वहां ई उन्हें एवरेस्ट से जुड़ी अपनी परेशानी बताती है और उनसे उनकी मदद करने को कहती है, पर एवरेस्ट को देखकर वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एवरेस्ट वहां से जा चुका था, इसलिए वो तीनों उसे ढूंढने जाते हैं और पूरे दिन उसकी तलाश करने के बाद भी एवरेस्ट उन्हें कहीं नहीं मिलता। पर आखिर में वो उन्हें माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर के पास मिलता है। वो किसी तरह एवरेस्ट को वहां से अपने छत पर ले आते हैं, पर एवरेस्ट की हालत बहुत खराब होते जा रही थी और ई के वायलिन मैजिक के बाद भी उसकी पावर पूरी तरह से वापस नहीं आती। तभी मिस्टर बर्निश वहां पहुंच जाते हैं, जिन्होंने अब मन बदलकर एवरेस्ट की मदद करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद वो उन्हें अपना लैब दिखाते हैं जिसे उन्होंने ई के छत पर ही बनाया था। वहां वो उन सभी को एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग चैम्बर दिखाते हैं जिसके अंदर जाकर एवरेस्ट अपने अनुसार अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता था। उसके अंदर जाने पर वहां की कंडीशन को देखकर एवरेस्ट बहुत खुश होता है और वो मिस्टर बर्निश के पिछले कामों के लिए उन्हें माफ कर देता है। वहां मिस्टर बर्निश पेंग को एक जंपिंग शूज देते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकता था, साथ ही जिनको भी एक हाईटेक ग्लासेस देते हैं जिसकी एआई टेक्नोलॉजी से वो बहुत इंप्रेस होता है, और वो ई को एक म्यूजिक प्लेयर देते हैं जो उसके म्यूजिकल टैलेंट के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट था। आखिर में वो एवरेस्ट को एक पोर्टेबल टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस देते हैं जो कहीं भी एवरेस्ट की बॉडी टेम्परेचर को इजीली कंट्रोल कर सकता था। तभी उड़ते हुए फेंक वहां आ पहुंचती है जो एवरेस्ट को कुछ कहने की कोशिश करती है, पर एवरेस्ट के बताने के बाद भी किसी को इस बारे में समझ नहीं आता। तब ई को समझ आता है कि फेंक कहना चाहती है कि उसने एक मैजिकल क्रिएचर को देखा है। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और वो समझ जाते हैं कि ये उसी मैजिकल क्रिएचर के कारण हो रहा है, इसलिए वो खुशी से उसे देखने के लिए बाहर आते हैं, पर बाहर उन्हें कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आता। इसलिए ई फेंग से पूछती है कि उसने जिस मैजिकल क्रिएचर को देखा था वो कैसा दिखता था। उसकी लैंग्वेज को एवरेस्ट के ट्रांसलेट करने पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर उड़ सकता था, इसलिए ई उसे अपने पास बुलाने के लिए वायलिन प्ले करने वाली होती है, पर जिन उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि हमें फिलहाल पता नहीं है कि वो क्रिएचर कैसा दिखता है और शायद वो खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए वो उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, जहां वो अलग अलग होकर अपनी खोज में लग जाते हैं, पर बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें कोई क्रिएचर नजर नहीं आता। इसलिए ई फाइनली अपना वायलिन प्ले करना शुरू कर देती है, जिससे कुछ ही देर में एक जायंट फ्लाइंग फिश शिवर से बाहर निकलता है और वापस अंदर चला जाता है। लेकिन ई और उसके दोस्तों के अलावा वहां मौजूद कोई भी इंसान उसे नोटिस नहीं कर पाता। उसे देखकर वो बहुत सरप्राइज होते हैं, इसलिए सीवर के अंदर जाकर उसे फॉलो करते हैं और एक डैम के पास पहुंचते हैं। वहां वो फ्लाइंग फिश एवरेस्ट को बताता है कि उसका मैजिकल डैम टूट चुका है, जिससे धीरे धीरे सीवर में पानी का लेवल बढ़ रहा है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। ई को लगता है कि शायद वो अपने वायलिन के मैजिक से डैम के पानी को कम कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता और उल्टा पानी का बहाव और तेज हो जाता है। इसलिए ये देखते ही एवरेस्ट समय रहते सभी को वहां से बचाकर ले आता है। इसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए ई मिस्टर बर्निश से हेल्प लेने जाती है। वो अपने सामने एक फ्लाइंग फिश को देखकर बहुत फैसिनेट होते हैं, पर वो इस परेशानी में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। बाहर आने पर उन्हें उस फिश से पता चलता है कि उस डैम को कंट्रोल करने वाली कोई पार्ट वहां से गायब हो चुकी है, इसलिए डैम टूटने की कगार पर है। तब ई वहां वापस से उसी बुक को निकालती है जिसमें उस मैजिकल फिश के बारे में भी लिखा था। उस फिश का नाम कोई था। उस बुक के अनुसार सालों पहले एक फिश ने 100 सालों तक एक वाटरफॉल के टॉप पर पहुंचने की कोशिश की थी और जब वो फाइनली उस तक पहुंच गया तो गॉड ने खुश होकर उसे एक ड्रैगन में बदल दिया और साथ ही उसे एक मैजिकल पर्ल दिया जो विजडम का प्रतीक था। ये सुनकर जिन सभी को एक एड दिखाता है जिसके अनुसार उनके सिटी के म्यूजियम में एक एंसियंट पर्ल का एग्जीबिशन चल रहा था जिसे उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया था। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये पर्ल असल में वही मिसिंग पार्ट है जिसे उन्होंने डैम से लिया होगा। अगर किसी तरह उन्हें वो पर्ल वापस मिल जाता तो उनकी ये परेशानी दूर हो सकती थी। इसलिए ई प्लान करती है कि वो बिना किसी की नजर में आए म्यूजियम से उस पर्ल को वापस लाएंगे। वो जिन और बाकी सभी को इसके लिए तैयार करती है और एवरेस्ट और कोई को लेकर म्यूजियम जाती है। वहां अपने वायलिन को प्ले करने पर ई को यकीन हो जाता है कि वहां कुछ तो मैजिकल छुपा हुआ है
पर जिनको वहां अपने ग्लासेस से पता चलता है कि उसके चारों ओर इनविजिबल लेजर लगे हैं, पर फिर भी ई लेजर से होते हुए उस पर्ल को हासिल करने जाती है, जिसमें जिन अपने ग्लासेस के जरिए उसे गाइड करता है। और आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद ई उस पर्ल को हासिल करने में कामयाब रहती है, जिसे पेंग और कोई तुरंत लेकर वहां से निकल जाते हैं। पर उतने में म्यूजियम का गार्ड वहां आ जाता है, इसलिए जिन मिस्टर बर्निश से मदद मांगता है। इस बीच वाई और एवरेस्ट मिलकर अपने मैजिक से चारों ओर फॉग क्रिएट कर देते हैं, जिससे गार्ड को कुछ नजर नहीं आता। पर गलती से लेजर के एक्टिवेट होने से उसे शक हो जाता है, लेकिन सही समय पर मिस्टर बर्निश उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां अपने डिलीवरी बॉय को गलत एड्रेस पर भेज देते हैं। इस बीच इसका फायदा उठाकर ई और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। इधर पेंग कोई के साथ उस पर्ल को शिवर के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे डैम के मिसिंग पार्ट में प्लेस कर देता है, जिससे देखते ही देखते पानी का लेवल नॉर्मल हो जाता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। इसके बाद ई कोई का शुक्रिया करती है, क्योंकि असल में वो वाटर को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद वो खुशी से उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। पर वहां ये कंफ्यूज्ड होती है, क्योंकि कोई जब सीवर से पहली बार बाहर आया था, तब उनके अलावा वो और किसी को नजर नहीं आया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर बर्निश उसे समझाते हैं कि ज्यादातर लोग मैजिक के अपने सामने होने के बावजूद भी उसे देख नहीं पाते, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी नहीं होती, और तुम और तुम्हारे दोस्तों के भरोसे की ताकत तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जिसे सुनकर ई को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ई अपने ग्रैंडमा की मदद के लिए रेस्टोरेंट की सफाई कर रही थी, पर साथ ही वो अपने मैजिक को लेकर चिंतित भी होती है, क्योंकि अभी भी वो इसे सही से मास्टर नहीं कर पाई थी। तभी ई की ग्रैंडमा वहां आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि अपने स्ट्रीट के फेमस कैंडी मेकर मिस्टर लंग किसी कारण से अपना कैंडी शॉप बंद करके शहर से बाहर गए हैं, इसलिए मिस्टर लंग की एब्सेंस में ग्रैंडमा उस कैंडी को बनाकर फेमस होना चाहती थी। पर उनके पड़ोस की मिसेज चैन उनके लिए कंपिटीटर थी, और वो भी ऐसा ही करना चाहती थी। ग्रैंडमा अपने कैंडी को मिस्टर लंग के जैसा ही टेस्टी बनाना चाहती थी, पर अब तक वो ये समझ नहीं पाई थी कि मिस्टर लंग अपने कैंडी में कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं, जिससे वो सबसे यूनिक होता है। पर जब भी वो कोई स्वीट कैंडी बनाती थी, तो अगले दिन उन्हें कोई चुरा लेता था, जिसके लिए उन्हें अपने सामने वाली मिसेज चैन पर शक था, और उन्हें बस इसके प्रूफ की जरूरत थी, क्योंकि उनके शॉप के कैमरा के सही से वर्क ना करने के कारण उनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये चोरी कौन कर सकता है। इसके बाद ई अपने दोस्तों के साथ अपने छत पर आ जाती है, जहां वो एवरेस्ट के साथ अपने मैजिक की प्रैक्टिस करती है, ताकि वो एवरेस्ट के साथ सही से कोऑर्डिनेशन बनाकर अपने मैजिक को बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सके, क्योंकि एवरेस्ट नेचर को समन कर सकता था और वही ई क्रीचर्स को समन कर सकती थी, पर वो अपने प्रैक्टिस में फेल रहते हैं। तभी ग्रैंडमा वहां आ जाती है, जो ई को एक कैमरे की फुटेज को देखकर बताने को कहती है कि उनके कैंडी को कौन चुरा रहा था। उसे देखने पर ई को पता चलता है कि वो कैंडी चोरी करने वाला मिसेज चेन नहीं बल्कि एवरेस्ट था, पर वो ग्रैंडमा से इस बात को छुपाने के लिए कहती है कि फिलहाल किसी कारण से ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा, शायद सुबह तक ये ठीक हो जाए। ग्रैंडमा के जाने के बाद ई प्लान करती है कि वो ग्रैंडमा को दिखाने के लिए इस वीडियो को क्रिएट करेंगे, जहां इस बार फुटेज में एवरेस्ट की जगह पेंग चोरी कर रहा होगा, ताकि इससे ग्रैंडमा को लगे कि पेंग ही कैंडी चुरा रहा था। पेंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और वो सभी पेंग के साथ कैंडी चोरी करने की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर काम पूरा होने के बाद जब वो शॉप से निकल रहे होते हैं, तभी पेंग को शुगर पैकेट देखकर लालच आ जाता है, और वो पूरा पैकेट खत्म करके वहीं सो जाता है। पर तभी वहां कुछ कलरफुल स्मॉल क्रीचर्स आते हैं, जिन्हें स्वीट्स बहुत पसंद थी, पर जब उन्हें शुगर पैकेट में कुछ नहीं मिलता, तो उनमें से एक क्रिएचर शुगर की स्मेल के कारण पेंग के मुंह में चला जाता है। अगले दिन जब ग्रैंडमा शॉप में आती है, तो उसे देखकर समझ जाती है कि कैंडी चोरी करने वाला असल में वही था। इसके लिए पेंग उनसे माफी मांग लेता है, पर इसके बाद से वो बहुत अलग बर्ताव करने लगता है, और उसे स्वीट कैंडीज की क्रेविंग होने लगती है। साथ ही उसकी आंखें भी ग्रीन हो चुकी थी। जिन जब अपने ग्लासेस से उसकी जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक छोटा सा लिविंग क्रिएचर मौजूद था, इसलिए उस क्रिएचर को पेंग की बॉडी से बाहर निकालने के लिए ई अपना वायलिन प्ले करती है, पर पेंग इससे और एग्रेसिव हो जाता है। पर तब ई और एवरेस्ट साथ में काम करते हैं, जिसके बाद दोनों के कोऑर्डिनेशन से वो क्रिएचर पेंग के शरीर से बाहर आ जाता है। पर उसके बाहर आते ही उस क्रिएचर के बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें एक जार में बंद कर देते हैं और उन्हें खाने के लिए कैंडी देते हैं। उस कैंडी को खाते ही वो उसी तरह के पाउडर को रिलीज करते हैं जैसा मिस्टर लंग अपनी कैंडीज में यूज करते थे, इसलिए वो इस बारे में जानने के लिए मिस्टर लंग के शॉप में जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वो कलरफुल क्रिएचर्स मिस्टर लंग के शॉप में ही रहते थे, जिन्हें फीड करने के बदले में वो क्रिएचर उन्हें वही स्वीट डस्ट देते थे, जिसे वो अपने कैंडीज में यूज करते थे। पर उनके अचानक अपनी शॉप छोड़कर जाने के कारण उन क्रिएचर्स को कैंडी देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो सभी ग्रैंडमा के शॉप में आ गए
और असल में उनके कैंडीज को वही क्रिएचर्स खा जाया करते थे। वहीं उन्हें कागज के कुछ पीसेस मिलते हैं जिन्हें जोड़ने पर उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर्स को मिंटिकॉन्स कहते थे और वो पिछले सैकड़ों सालों से लंग के फैमिली हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और उनकी मदद करते आए थे। इससे ये अनुमान लगती है कि जरूर ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जिनके पास अपने खुद के सीक्रेट क्रिएचर होंगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके बाद ई उन मिंटिकॉन्स के लिए नया घर प्रोवाइड करने के लिए एवरेस्ट के साथ मिलकर सुगरकेन ग्रो करती है, जिन्हें फीड करने पर वो उन्हें स्वीट डस्ट देते हैं और वो उसे लेकर ग्रैंडमा के पास जाते हैं। ग्रैंडमा उस इंग्रेडिएंट को पाकर बहुत खुश होती है पर ई उन्हें इसका सीक्रेट नहीं बताती। अगले दिन जिनके मेडिकल कॉलेज से उसके लिए एक पैकेज आता है जिसमें उसके सेरेमनी के लिए उसका व्हाइट डॉक्टर कोट था, उसका वो कोट रिप्रेजेंट करता था कि आने वाले सालों में वो अपने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बनने वाला था। वो कोट देखकर बहुत प्राउड होता है और वो खुशी से उसे पहनकर स्ट्रीट्स में घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। अपने कोट की वजह से वो लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, पर वही एक स्ट्रेंज क्रिएचर उसे देख लेता है जिन डॉक्टर बनने से पहले ही खुद को डॉक्टर समझने लगा था और वो अपने कोट का बहुत ध्यान रख रहा था। पर तभी अचानक उसके सामने वही स्ट्रेंज क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम मोर्टी था। वो जिनको अफेक्शन दिखाने लगता है पर इससे जिनके कोट पर उसका सलीवा लग जाता है। ये देखकर जिन इरिटेट होकर उससे दूर भागने लगता है, मोर्टी वहां खुद ही जिनको ढूंढते हुए आया था पर जिन अब अपने कोट के खराब होने से परेशान था इसलिए वो भागते हुए उसे क्लीन करवाने जाता है। पर तभी वो पाता है कि वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा था और फाइनली पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। इस बात से घबराया हुआ वो अपने दोस्तों के पास जाता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने प्रेजेंस का यकीन दिलाता है। उसके दोस्त भी इस बात से हैरान होते हैं कि वो इनविजिबल कैसे हो सकता है, पर वहां उन्हें समझ आता है कि असल में मोर्टी के सलीवा में ही कुछ ऐसा खास था जो किसी को इनविजिबल बना सकता था। और एवरेस्ट के कहने पर भी मोर्टी जिनको वापस नॉर्मल नहीं करता क्योंकि वो किसी बात से परेशान था पर जिनको जल्द से जल्द नॉर्मल होना बहुत जरूरी था क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में ही उसके स्कूल का सेरेमनी शुरू होने वाला था जिसमें जिनका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो अपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मिस्टर बर्निश से कॉन्टैक्ट करता है पर वो भी इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। दूसरी ओर ई और बाकी सभी मोर्टी को कंफर्टेबल करने में लगे होते हैं पर वो किसी कारण से बहुत इरिटेट हो रहा था। इसलिए पेंग जिनके पास जाकर उसे समझाता है कि इस वक्त उसे अपने सेरेमनी और कोर्ट से ज्यादा मोर्टी की फिक्र करनी चाहिए। आखिर वो क्या चीज है जो उसे परेशान कर रही है। आखिर में एक डॉक्टर का यही फर्ज होता है जिन उसकी बात से प्रभावित होकर मोर्टी की जांच करने जाता है। वहां अपने स्पेशल ग्लासेस से उसे पता चलता है कि मोर्टी असल में प्रेग्नेंट था जिस वजह से उसे मूड स्विंग्स हो रहे थे और जल्द से जल्द उसके बेबीज को बाहर निकालना बहुत जरूरी था। तब जिन हिम्मत करके उसकी मदद करने का तय करता है और खुद उन बेबीज की डिलीवरी की जिम्मेदारी लेता है, उसके बर्ताव से खुश होकर मोर्टी उसे वापस से विजिबल कर देता है। यहां अब जिन चाहता तो अपने सेरेमनी को अटेंड करने जा सकता था पर वो मोर्टी के लिए वहीं रुकता है और फाइनली उसके बेबीज की डिलीवरी करने में कामयाब रहता है जिससे मोर्टी और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। और असल में मोर्टी जिनके व्हाइट कोट को देखकर ही यहां आया था ताकि जिन उसकी मदद कर सके और जिन अपने इस काम में सफल रहता है अब उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझ आ चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।